जी तो अस्सलाम वालेकुम, हम जिक्र करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का, जिसकी फॉर्म डी की मेरिट लिस्टें लगना शुरू हो गई हैं। और ये फार्मेसी डिपार्टमेंट जो है ये अलामा इकबाल कैंपस में है, जो कि ऑल कैंपस के नाम से भी मशहूर है। और ये वाकया है माल रोड के ऊपर बिल्कुल, और इसकी अब लिस्टें लगना शुरू हो गई हैं फॉर्म डी में दाखिले के लिए डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में। तो सबसे पहली लिस्ट हम देखते हैं बीएससी बेस्ड, इसमें देखिए सबसे पहले 80 से मेरिट शुरू होता है, 80% से 78, 76, 67 ये नीचे आता आता 45 पे जे जाके मेरिट रुका है, इतना कम मेरिट। और एक और बात इसमें बताता चलूँ कि 15 बच्चों ने सिर्फ अप्लाई किया और 16 सीटें थी मॉर्निंग की, सिर्फ 15 बच्चों ने अप्लाई किया है, और ये 45-50 तक जो है सबका एडमिशन हो जाएगा। ये उनके नाम है जुनैरा शाहिद, मोहम्मद रिहान, अरीबा एट्सेट्रा, ये उनके नाम है। और ये जो लिस्टें हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर अवेलेबल है, आप वहाँ जा सके ये देख सकते। इसमें मज़े की बात यह है कि एफएससी बेस्ड जितने भी एडमिशन हो रहे हैं उनका मेरिट इतना हाई है कि आपका नाम आना मुश्किल है, क्योंकि पॉइंट्स में ही चल रहा है उनका मेरिट, 94-93 से अब नीचे वो डाउन आ रहा है पॉइंट्स में। तो जिन बच्चों के 90% मार्क्स हैं या 85% मार्क्स हैं उनका एडमिशन होना पॉसिबल नहीं है। और अगर आपने बीएससी की हुई है तो आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी फ़ीस भी बड़ी मुनासिब है, मॉर्निंग की कम है और इवनिंग की मेरे ख्याल 1.5 लाख के करीब है पर ईयर।